माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी, केंद्रीय मंत्री माननीय रामविलास पासवान जी, बिहार के माननीय उप मुख्यमंत्री श्री सुशील कुमार मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्री नित्यानंद राय जी, बिहार सरकार के माननीय मंत्रीगण डॉक्टर प्रेम कुमार जी, नंद किशोर यादव जी, महेश्वर हजारी जी, माननीय विधायक पद्मश्री भागीरथी देवी जी, भाजपा के वरिष्ठ नेता और माननीय सांसद डॉक्टर सीपी ठाकुर जी, निवर्तमान सांसद श्री सतीश चंद्र दुबे जी, वाल्मीकि नगर लोकसभा जनता दल यूनाइटेड राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए के सुयोग्य उम्मीदवार श्री बैद्यनाथ प्रसाद महतो जी, पश्चिम चंपारण लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए के सुयोग्य उम्मीदवार भाई डॉक्टर संजय जायसवाल जी, श्रीमती रेणु देवी जी, जनता दल यू के आदिवासी प्रकोष्ठ के सचिव श्री अशोक कुमार थारू जी, जनता दल यू के नेता श्री संजय सिंह जी, मंच पर विराजमान सभी माननीय विधायकगण, विधान परिषद के सभी माननीय सदस्यगण, पूर्व सांसद, पूर्व विधायक, पूर्व विधान पार्षद, तीनों एनडीए के तीनों घटक दलों के यहां उपस्थित सभी सम्मानित नेतागण, उनके सभी विभिन्न स्तर के पदाधिकारीगण, सभी जनप्रतिनिधिगण, मेरे प्रिय साथियों, पत्रकार बंधुओं और इस सभा में उपस्थित बहनों एवं भाइयों, मैं सबसे पहले इस चुनावी सभा में आप सब माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी को सुनने आए हैं इतनी बड़ी संख्या में, सबसे पहले मैं आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं। नरेंद्र भाई मोदी जी देश के प्रधानमंत्री के रूप में जो काम करते रहे पिछले 5 वर्षों से, आज देश का सम्मान बढ़ा है, देश की इज्जत बढ़ी है। जो इन्होंने काम किया है आतंकवाद के खिलाफ, त्वरित कार्रवाई की है, उसके चलते समस्त देशवासियों का मनोबल ऊंचा हुआ है। और मैं तो मानता हूं कि मोदी जी की सरकार की ये कूटनीतिक जीत है कि जिस तरह से मसूद अजहर को अंतर्राष्ट्रीय आतंकी घोषित किया गया है। बहुत दिनों से प्रयास चल रहा था, लेकिन जो मोदी जी का प्रयत्न है, तो मैं तो इसको मानता हूं कि ये भारत की बहुत बड़ी कूटनीतिक जीत है। यानी देशवासियों का मनोबल ऊंचा हुआ है और इन्होंने देश के विकास के लिए काम किया है, विभिन्न राज्यों के विकास के लिए काम किया है, और साथ ही साथ जो गरीब गुरबा परिवार के लोग हैं उनके उत्थान और कल्याण के लिए काम किया है। जो इन्होंने उज्ज्वला योजना की शुरुआत की, गरीब परिवार की महिलाओं को रसोई गैस का कनेक्शन मिला है, लोगों को खाना बनाने में धुआं झेलना पड़ता था, अब रसोई गैस का कनेक्शन मिलने से लोगों को बहुत बड़ी राहत आई है। और हर परिवार जिसको रसोई गैस का कनेक्शन नहीं है उसको इस योजना के अंतर्गत कनेक्शन प्रदान किया गया है, बचे खुचे लोगों को कनेक्शन मिल रहा है, तो ये बहुत बड़ी योजना है। इसके अलावे जो पिछले 1 वर्ष से इन्होंने शुरू कर दिया है आयुष्मान भारत योजना, इसके अंतर्गत गरीब परिवार के लोगों को 1 साल के अंदर इलाज के लिए 5 लाख रुपए तक की सहायता मिलना, लोगों को इलाज कराने के लिए कर्ज भी लेना पड़ता है, और वैसी स्थिति में इतनी अच्छी योजना गरीब परिवारों के मदद के लिए उन्होंने उठाई है। और इसके बाद अभी हाल ही में जो किसानों के सम्मान के लिए योजना बनी, किसान सम्मान निधि योजना, हर किसान को 1 साल में 6,000 रुपये उपलब्ध कराया जाएगा। जो किसान है उनको खेती के लिए अपना पैसा लगाना पड़ता है,
और अगर केंद्र सरकार की तरफ से उनको इसमें मदद मिल जाती है तो जो उनका खर्च है, लागत है, उसमें कमी आएगी और स्वाभाविक तौर पर उनके मुनाफे में, उनके आमदनी में वृद्धि होगी। तो मैं इसके लिए बधाई देता हूं और बिहार के विकास के लिए भी आपने काम किया। बिहार की अनेक योजनाओं को मंजूरी दी है विभिन्न क्षेत्रों में, लेकिन अकेले जो आप जानते हैं हम लोगों का लक्ष्य है बिहार के सुदूरवर्ती इलाकों से चलकर राजधानी पटना पहुंचने में 5 घंटे से ज्यादा समय न लगे, और इस सिलसिले में हम लोग काम कर रहे हैं। हर गांव को सड़क से जोड़ना, हर टोले को सड़क से जोड़ना, सड़कों का चौड़ीकरण, हजारों पुलों का निर्माण, पुल पुलिया का निर्माण हम लोगों ने कराया, लेकिन इसमें हम लोगों को केंद्र की मदद की जरूरत थी। तो मुझे खुशी है कि माननीय मोदी जी की सरकार ने हम लोगों के बहुत सारे प्रस्तावों को स्वीकार किया, अनेक हमारी सड़कों को राष्ट्रीय राजमार्ग के रूप में अपना लिया, और अकेले सड़क और पुल के क्षेत्र में बिहार में इन्होंने 50,000 करोड़ रुपए के योजना को मंजूरी दी है और उस पर काम प्रारंभ किया। तो यह हमारे बिहार के पिछड़ेपन को दूर करेगा। तो जिस तरह से देश को आगे ले जाने का काम उनकी सरकार कर रही है, बिहार जैसे राज्यों को पिछड़ेपन से छुटकारा दिलाने के लिए जो भी काम इन्होंने किया है, इसके लिए मैं बधाई देता हूं। और इसलिए हम लोग चाहते हैं बिहार को आगे बढ़ाना, और आप लोगों ने हम लोगों को काम करने का मौका दिया है। 13 साल से हम लोगों ने बिहार को आगे बढ़ाने की कोशिश की है। हमने कानून का राज कायम रखने के प्रति हम लोगों ने अपनी निष्ठा प्रदर्शित की है और पूरा परिश्रम करते हैं हम लोग, मेहनत करते हैं, और बिहार में कानून का राज कायम हुआ। याद कर लीजिए, ये पूरा का पूरा चंपारण का इलाका है, क्या स्थिति थी। और जगहों पर तो शाम होने के बाद घर से बाहर नहीं निकलते थे, और इस इलाके में तो दोपहर के बाद ही लोग घर से बाहर निकलने में डरते थे, यह स्थिति थी। 15 साल तक एक परिवार का राज था, कोई कानून का राज नहीं था, और जब हम लोगों को मौका मिला हम लोगों ने कानून का राज कायम किया। और सबसे ज्यादा जो चंपारण, चाहे पश्चिमी चंपारण हो, पूर्वी चंपारण हो, सब लोगों ने इस बात को महसूस किया कि किस ढंग से हम लोगों ने कानून का राज कायम किया। और चंपारण की धरती का तो हम लोग हमेशा नमन करते रहे। आखिर ये चंपारण तो ऐतिहासिक भूमि है। चंपारण सत्याग्रह की शुरुआत बापू ने आकर यहां से किया था 1917 में, और जो चंपारण सत्याग्रह हुआ उसका इतना महत्व देश में पड़ा कि 30 साल के अंदर 47 में देश आजाद हो गया बापू के नेतृत्व में। तो इसलिए हम तो चंपारण की इज्जत करते हैं, कद्र करते हैं, इस धरती का नमन करते हैं, और जो भी काम की हम शुरुआत करते हैं, जब से आप लोगों ने सरकार चलाने का मौका दिया है, चंपारण की धरती से उसकी शुरुआत कराते हैं। इसलिए ये खुशी होती है, चंपारण के लोगों को भी इस बात का एहसास है कि किस तरह से कानून का राज हम लोगों ने बिहार में कायम किया, और उसके साथ न्याय के साथ विकास। इसका मतलब हर इलाके का विकास, कोई इलाका बिहार का नहीं है जिसकी उपेक्षा की गई, और समाज के हर तबके का उत्थान, जो किनारे पड़े हुए थे उनको मुख्य धारा से जोड़ने के लिए, नारी सशक्तिकरण के लिए हम लोगों ने काम किया, दलित, महादलित, आदिवासी समाज के लिए। और आप जानते हैं हम लोगों के प्रयास से ही थारू समाज को भी आदिवासी की मान्यता मिली। और जब हमने पहली बार विकास यात्रा की शुरुआत 2009 में किया था, तो थरवट क्षेत्र विकास के लिए हम लोगों ने अलग से योजना तैयार की, थरवट विकास अभिकरण, और इसके लिए मूलभूत सुविधाएं, शिक्षा हेतु आवासीय विद्यालय, छात्रावास, कौशल विकास, सड़कों का निर्माण, एक एक काम किया गया, और इसके लिए 242 करोड़ रुपए की लागत से हम लोगों ने खर्च किया थरवट क्षेत्र के विकास के लिए, थरवट विकास प्राधिकरण में, और हम लोग बराबर देखते रहे। तो हर इलाके का विकास और समाज के वैसे तबके के लोग जो किनारे पड़े हुए थे उनको मुख्य धारा से जोड़ने की कोशिश हम लोगों ने की है। और नारी सशक्तिकरण का हाल देख लीजिए, बिहार पहला राज्य है जिसने महिलाओं को पंचायती राज व्यवस्था और नगर निकायों में 50% का आरक्षण दिया, और आज लाखों की संख्या में महिलाएं जनप्रतिनिधि के तौर पर अपने इलाके की सेवा कर रही है। हम लोगों ने हर समाज, हर तबके का लाभ दिया है। अति पिछड़े वर्ग को कौन पूछता था,
और जो अति पिछड़े वर्ग को पंचायती राज व्यवस्था नगर निकायों में 20% का आरक्षण दिया गया, आज अति पिछड़े वर्ग में कितनी जागृति आई है, उनकी भी इज्जत बढ़ी है। दलित, महादलित, आदिवासी समाज, अल्पसंख्यक समाज, सबके कल्याण के लिए हम लोगों ने काम किया। हम लोगों ने इतने दिनों में समाज के हर तबके के उत्थान के लिए काम किया। हम लोगों का काम है हर का विकास, हर का उत्थान। और देख लीजिए, बिहार में हम लोगों ने किसी की उपेक्षा नहीं की है, सबकी सेवा की है। हिंदू हो, मुसलमान हो, किसी भी धर्म मजहब को मानने वाले लोग हों, ऊंची जात के लोग हों, पिछड़े वर्ग के लोग हों, अति पिछड़े वर्ग के लोग हों, दलित, महादलित, आदिवासी समाज के हों, स्त्री हो, पुरुष हो, सबके कल्याण के लिए काम किया। और आप लोगों ने मौका दिया है हर क्षेत्र का विकास, समाज के हर तबके का उत्थान का काम हम लोगों ने किया। और आज सबके सहयोग से बिहार आगे बढ़ रहा है, और बिहार का, बिहार राज्य का जो विकास दर है देश के किसी भी दूसरे राज्य के विकास दर से ज्यादा है। और उसका एक महत्वपूर्ण कारण है कि हम लोगों ने महिलाओं का सशक्तिकरण किया है। पुरुष और स्त्री सब मिलकर काम करेंगे तो और आगे बढ़ाएंगे। इसलिए और हम लोगों ने हर बार सोचा, अब आप सोच लीजिए हम लोगों ने क्या काम नहीं किया, क्या हालत थी, जो कानून की स्थिति, कानून के राज की तो कोई चीज ही नहीं थी, जंगल राज कायम था, आज कानून का राज कायम हुआ। और पहले सोच लीजिए किस तरह से अंधेरा झेलना पड़ता था, लालटेन का सहारा लेना पड़ता था, ढिबरी का सहारा लेना पड़ता था, अब घर घर बिजली हम लोगों ने पहुंचा दिया, अब लोग बल्ब जलाते हैं, लालटेन की जरूरत बिहार में खत्म हो गई। तो आप लोगों ने मौका दिया है, हम लोगों ने सेवा की है, और हमारा धर्म आपकी सेवा है। केंद्र सरकार ने आपकी सेवा की है, बिहार के उत्थान के लिए काम किया, तो हम लोग आपके बीच में काम के आधार पर समर्थन मांगने के लिए आए, काम के आधार पर समर्थन दीजिए। और हम लोगों के लिए आपकी सेवा ही हमारा धर्म है। और बहुत लोग हैं जो समाज में विवाद पैदा करना चाहते हैं, समाज को बांटना चाहते हैं, इसलिए कि उनको कुछ करना नहीं पड़े। अगर समाज में झगड़ा होगा, बिना कुछ किए एक हिस्से का समर्थन उनको मिलता रहेगा। हम लोग समाज के सब लोगों को जोड़कर काम करते हैं, और यही काम हम लोग करते रहेंगे। आज कुछ लोग हैं जो क्या चाहते हैं, सत्ता में आना चाहते हैं, और सत्ता में आकर सेवा नहीं करना चाहते हैं, धन कमाना चाहते हैं। बापू ने कहा था 7 सामाजिक पाप, और 7 सामाजिक पाप में एक है काम के बिना धन। अगर धन अर्जित करना है तो मेहनत करो, काम करो, बिना काम के धन कमाना पाप है, सामाजिक पाप है। और देख लीजिए कुछ लोग सत्ता में आकर धन कमाना चाहते हैं, जेल के अंदर हैं, कोर्ट के आदेश से जेल के अंदर हैं, कहते हैं फंसाया जा रहा है। अरे कौन फंसाएगा, कोर्ट किसी को फंसाता नहीं है, कोर्ट में तो जो आर्गुमेंट होता है और कोर्ट कोई निर्णय लेता है। लेकिन इन लोगों की तो यही आदत है, इसलिए जान लीजिए। और मौका मिला था ऐसे लोगों को काम करने का, 15 साल तक काम करने का मौका मिला था, और आप लोगों ने देख लिया 15 साल में बिहार की स्थिति बिगड़ती चली गई। और आप लोगों ने मौका दिया है 13 साल में बिहार को आगे बढ़ाने की हम लोगों ने कोशिश की है, और केंद्र में जो सरकार आज मोदी जी के नेतृत्व में है उनका सहयोग मिल रहा है। इसलिए हम चाहते हैं देश की तरक्की के लिए, देश के उत्थान के लिए, देश के विकास के लिए, और राज्य को पिछड़ेपन से दूर करने के लिए, और समाज के हर तबके के कल्याण के लिए फिर से मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र में सरकार बने। और इसलिए आप सब लोगों का हम लोग समर्थन चाहते हैं, आपसे आग्रह करेंगे। तो हम लोगों को समर्थन मिलेगा ना, मिलेगा ना। बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर हमारी बहनें बैठी हुई हैं, देखिए आपको बराबर का अधिकार देने के लिए हमने शुरू से कोशिश की है, और आज आपकी प्रतिष्ठा है। हम आपसे यही आग्रह करेंगे कि जो चुनाव होने वाला है 12 मई को, उस दिन आप सवेरे उठ के तैयार होकर के जाकर वोट दीजिएगा। तैयार होकर के खाना मत बनाने लगिएगा, सवेरे तैयार होकर के पहले वोट दे आइए, तब घर लौट कर आइए, खाना बनाइए और खाइए। पहले मतदान, तब जलपान।
ये हमारा आप सब लोगों से आग्रह है। और एक अपील और करेंगे, एक अपील और करेंगे हम अपने बहनों से कि सवेरे तो वोट डाल के आइए, तब खाना बनाइए खाइए, और घर के मर्द लोग आपके हिसाब से वोट डाल करके आवे, उनको तो आप प्रेम से भरपेट खिलाइए, लेकिन जो आपकी बात को नहीं माने उनको दिन भर का उपवास करा दीजिएगा। यही हमारा आप सब लोगों से, बहनों से यही अपील है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी तरफ से, आप सब लोगों की तरफ से आदरणीय प्रधानमंत्री भाई नरेंद्र मोदी जी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, और आपने समर्थन के लिए जो आश्वस्त किया इसके लिए आपको हृदय से धन्यवाद देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार।